तो हर दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज देख लीजिए, आज हम लोग बहुत ज़्यादा भूख लगे हैं, तो आज सोचे थोड़ा सा चावल था तो मेरे घर वाले लोग खा लिए, तो मैं सोची कि अभी कुछ नहीं बनाऊंगी नाश्ते में, तो मैं सोची कि आज बैर भाप लेती हूँ, तो उसी को आज खाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया दोस्तों हम लोग सुखाए थे बैर तो खाए नहीं थे, तो सोची कि आज बनाती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी मैं। तो ये देख लीजिए, देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा बैर सुखा कर रखी थी, सूख गया है ये देख लीजिए। और इसको क्या है कि देखिए में है तो इसी में भापूंगी। चलिए दोस्तों, इसका जो डाटा था उसको हम तोड़ लेते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, हम इसका डाटा तोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आज खाने का बहुत मन किया, तो मैं सोची कि आज बैर ही भाप लेते हैं, उसके बाद ही कुछ खाना ना बनेगा। क्या है ना इसका वो, ये देख लीजिए जो है इसके अंदर डाटा लकड़ी के जैसा, इसी को तोड़ रही हूँ, क्योंकि खाते समय मुंह में मत चला जाए अंदर। चलिए फिर इसको हम लोग, मैं पहले इसको इसका डांट जितना है इसको पूरा निकाल लेती हूँ दोस्तों, ठीक है ना। और आपको ये जब हो जाएगा हमारा जो भाफेंगे अभी उसको भी दिखाऊंगी। चलिए फिर दोस्तों, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं इसके डांटों को। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारा बैग पूरा पूरा इसका मुझे निकाल दी हूँ। अब पहले अब इसको, चलिए अब इसको पहले धो लेती हूँ, क्योंकि सुखाया हुआ रहता है तो गिरा रहता है, जमीन में गिराते हैं तो थोड़ा धो लेंगे तभी तो खाएंगे। चलिए फिर इसको धोते हैं, फिर हमारे बाद इसको पानी में भरेंगे। इसको हम दो सही देख लीजिए, बड़ा वाला है और छोटा वाला भी। चलिए अब इसको हम धो लिए हैं, तब चलते हैं इसको मढ़ाने के लिए। इधर चूल्हे भी मतलब चूल्हे भी इसको मढ़ाएंगे पानी डाल के, ठीक है। और तो दोस्तों देख सकते हैं हम इसको पानी इसमें रख लिए हैं, अब पानी रखने के बाद इसमें हम लोग चूल्हे पर मढ़ाएंगे। चलिए अब इसको हम मढ़ाते हैं इसमें, अब इसका पकने का इंतजार करेंगे दोस्तों, और आप लोग को दिखाएंगे कि ये होने के बाद, ठीक है। तब के लिए अभी तो ठीक है दोस्तों, चलिए इसको अभी उबल जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि हम कैसे आप लोग बैर कैसे हलो भापते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों फिर अभी के लिए दोस्तों, अभी हम लोग अभी बैर को रख दिए हैं, अभी वो पक जाएगा तब तक हमारे पति के पास जाते हैं और क्या कर रहे हैं अभी देखते हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी वही सलाई हूँ बुढ़िया रानी को। चलिए दोस्तों, देखिए फाइन में अपना घर आ गई हूँ, और देखिए मेरी बेटी बाहर हो रही हूँ क्योंकि नीचे, क्योंकि यहाँ पर मम्मी खटिया पे मैसेज कर दी। तो ये देखिए दोस्तों, ये अभी सोए हुए हैं, और क्या है कि अभी मेरे को काम है थोड़ा, तो अभी मेरा उसके होते तक बैर का होते तक मैं भी थोड़ा जाने कुछ काम कर लेती हूँ दोस्तों, है ना, क्योंकि अभी मेरी बेटी भी सोई है, फिर मैं कुछ काम ही नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए फिर अब हमारा जो बैर था बन गए जाए, उसके बाद आपको दिखाऊँगी, ठीक है ना, और खा के भी बताऊंगी कि आप लोगों को कैसा लगा। पर आप लोगों को नहीं देने वाली है? नहीं, आप लोगों को भी दूंगी दोस्तों, आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए, जिसको जिसको खाना है बैर मैं खा लूंगा, उनका हिस्सा मैं खा जाऊंगा। वैसे काय खाएंगे, उसका हिस्सा खाने वाली तो मैं हूँ, है ना दोस्तों। तो चलिए फिर दोस्तों,
तो ये देखिए दोस्तों हमारा बन गया बैग का, क्या बोलते हैं, बैग को भाप लिए हैं अच्छा से। देख लीजिए इसमें गुड़ डाली हूँ मैं, थोड़ा गुड़ हल्का सा नमक डाली हूँ, ऐसे देखिए निकाली थी। तो मेरा बेटा बहुत रो रहा था खाने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं उसको निकाल के दे रही हूँ। देख लीजिए अब इसको थोड़ा सा रुकिएगा ना, मैं थोड़ा चख के देखती हूँ कि कैसा लगा। नहीं नहीं मैं नहीं चखूंगी, मतलब मेरे हस्बैंड को चखाऊंगी कैसा लगा, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ये देखिए मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाली हूँ, अगर वो नहीं खाएंगे तो ये भी नहीं खा जाएंगे। देखती हूँ कैसा। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे इतना अच्छा लगा। अगर आप भी खाते ना जैसे मैं बने हूँ वैसे आप लोगों को खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिएगा तो मीट और अच्छा हो गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अब इसको जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। और वीडियो कैसा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। से बाय बाय। इधर मेरा बेटा खा रहा है, ये देखना कितना गर्दा है।